आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जो हमारी यूथ में बहुत ज्यादा कॉमन है, और ये चीज आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंडिंग पे जा रही है। मतलब लोग जो है शौकीन भी स्टार्ट हो गए हैं और खुद को कूल दिखाने के लिए। हम इसको डिस्कस भी करेंगे अपने पॉइंट्स में कि हमारी थिंकिंग क्या है इस चीज के बारे में, कि हम सोचते हैं कि हम कूल दिखते हैं, इससे हमारे अंदर एनर्जी आती है, इसमें अगर डिप्रेशन है तो हम उस चीज से निकल आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाई डू वी स्टार्ट स्मोकिंग, हम स्मोकिंग क्यों शुरू कर देते हैं। इसकी कुछ बेसिक रीजन जो मैंने अपने माशरे में ऑब्जर्व करी है, अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है। इवन फ्रेंड सर्कल ना भी हो, जब आप बाहर आते हैं लोगों को ऑब्जर्व करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं जो इंसान के दिमाग को हैरान कर देती है। और बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग एन एशियन, हमें तो ये होता है ना कि हम अलग अलग ही थीरीज लेके आते हैं अपने हिसाब से, और जो कि वैलिड ही नहीं होती बहुत सारी चीजों के ऊपर। अब जो बेसिक क्वेश्चन है कि हम स्मोकिंग क्यों स्टार्ट करते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं आजकल हमारी यूथ में बहुत कॉमन है, ठीक है, वो ये है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको कहेंगे कि यार क्या हो गया है, वो भी तो पीता है, ये भी फलां भी पीता है, तुम भी पी लो, ट्राई करके देख लो। ये जो ट्राई करके देखना है, ठीक है, ये बहुत कॉमन हो गया है, जो आपको स्टार्ट में ही बोलते हैं ट्राई करके देख लो, कुछ नहीं होता। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शौकीन सूटा मारते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि चल ठीक है कुछ भी नहीं होता, मैं जब भी चाहूँ छोड़ सकता हूँ। लेकिन जो पहली लत लगती है आपको, वो यहां से लगती है कि आपका जो ख्याल है कि आप सूटा मारेंगे एक दिन या फिर 2 दिन, आप छोड़ सकते हैं किसी भी टाइम, ये आपकी खाम ख्याली है। क्यों? क्योंकि सिगरेट के अंदर आपका होता है निकोटीन, और निकोटीन बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। इवन कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग तो ये है कि अल्कोहल से भी ज्यादा जो एडिक्टिव चीजें वो निकोटीन है। क्यों? क्योंकि आपको यूफोरिक इफेक्ट लेके आता है। अगर हम बात करें थोड़ा सा रिलेटेड टू जो हमारी फार्माकोलॉजी है या फिर जो हमारी नॉर्मल फिजियो वगैरह है, हम उसकी बात करें तो यूफोरिक इफेक्ट लेके आता है। अब वो लोग जो कि नॉन मेडिकोज है उनके लिए मैं एक्सप्लेन करूं कि यूफोरिक इफेक्ट क्या होता है। यूफोरिक इफेक्ट वो होता है जिसमें आप फील करते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन, आपके सराउंडिंग में आग भी लगी है, आपको लगे कि सब ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल है सब, सही है, क्योंकि आपके अंदर अबंडेंट अमाउंट में डोपामिन रिलीज हो चुका है। और डोपामिन क्या करता है? मूड रेगुलेटर है, जो आपके अंदर प्लेजर लेके आता है। ये हो गया यूफोरिक इफेक्ट, कि फीलिंग ऑफ वेल बींग, कि आप जो है बिल्कुल सही फील कर रहे हैं, चाहे आपकी चीजें अगेंस्ट जा रही है या आपके हिसाब से जा रही है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन आपको क्या है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए निकोटीन ज्यादा खतरनाक है कि आपके अंदर यूफोरिक इफेक्ट लेके आता है, आपके सेंसेस को स्टिमुलेट कर देता है ये, सही है। तो ये अगर आपका ये है कि आपके दोस्त आपको कह रहे हैं कि एक बार ट्राई करके देख लो कुछ नहीं होता, सही है, यही बोलते हैं, ट्राई करके देख लो कुछ नहीं होता, वो भी पीता है, ये भी पीता है, फलां भी पीता है, ऐसे ऐसे वो आपको कई सारे एग्जाम्पल्स देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा आपका कोई दोस्त है, हकीकी मानों में वो आपका दोस्त है ही नहीं। आपका दोस्त कभी भी आपको इन चीजों के ऊपर नहीं लगाएगा, आपका दोस्त कभी भी आपको जो एक ट्रैक है उससे नहीं उतारेगा, जवाल की तरफ आपको नहीं लेकर जाएगा। आज जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, मैं मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ इश्यू से रिलेटेड तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो नॉर्मल फैक्टर्स है, जो आम हमें आदत लगती है, ठीक है, स्मोकिंग की, मैं उस चीजों को डिस्कस करूंगा, सही है। तो एंड तक बने रहिएगा और देखते रहें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ये बच्चे जो है हमारे वो स्मोकिंग करना शुरू करते हैं। अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनके लिए है कि आप अपने बच्चों को जो है ऐसे लोगों से दूर रखें, ऐसे सोसाइटी से दूर रखें, और अपने बच्चों के दरमियान आप अवेयरनेस लाए, उनके अंदर एक नई थॉट्स लेके आए। सेकंड कॉमन रीजन क्या है जिसकी वजह से हम स्मोकिंग शुरू करते हैं? फ्रेंड सर्कल के अंदर क्या होता है कि कंपटीशन करते हैं, चलो सूटा मारना तो शुरू कर दिया, अब जाके कंपटीशन होता है वो दिखाने के लिए। अगर नहीं भी शुरू करा तो आप अपने दोस्त को वो दिखाएगा कि भाई अगर मैं पी रहा हूं तो देखो मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, मैं धुआं कितनी देर तक अपने अंदर रख सकता हूँ, ठीक है। और भाई कंपटीशन करना है तो किसी और चीज में करो ना, पॉजिटिव चीज में करो, कंपटीशन करने तो इसमें करो कि आज तक मैंने एक सिगरेट भी नहीं पिया, सही है, और आज तो धुआं रोक रहे हो अंदर, ठीक है, किसी दिन तुम्हारी जिंदगी भी रुक जाएगी बेटा अगर आप ऐसा करते रहे, सही है। तो ये कंपटीशन फ्रेंड सर्कल के अंदर क्या होता है कि वो कहते हैं कि भाई हम जो है इतनी देर तक हमारी कैपेसिटी है कि हम धुएं को अंदर रख सकते हैं, ठीक है, कोई बोलेगा मैं रिंग बना सकता हूँ, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, डिफरेंट थॉट्स है, सही है। लेकिन ये जो है ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि आपको एक
ऐसे अंधेरों में फेंक के आएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते, सही है? क्योंकि निकोटीन से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अब जैसे मैंने पहले यूफोरिक इफेक्ट की बात की, उसमें क्या हो जाता है, आप साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट हो जाते हो चीजों के ऊपर, ठीक है? उसके दो होते हैं, अगर एडवर्स इफेक्ट हम देखें, अगर आप इन निकोटीन को छोड़ना भी चाहे तो आप नहीं छोड़ सकते, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इसको छोड़ना, सही है? तो इसमें होता है फिजिकल डिपेंडेंस और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। अब फिजिकल डिपेंडेंस इज समथिंग एल्स, हम उसके ऊपर बाद में किसी वीडियो में, हो सकता है इसका पार्ट टू भी बनाओ, उसमें बात करेंगे। लेकिन साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में क्या होता है कि अगर आप वो चीज छोड़ देते हैं, सही है, तो आपको क्या एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। इवन अगर आप नहीं भी छोड़ते, ठीक है, डिप्रेशन में तो आप जाओगे ही जाओगे, सही है? अगर आप नहीं भी छोड़ते, तो अगर आप पहले एक सिगरेट पी रहे थे और आपको किक मिल रही थी, आप थोड़ी देर के लिए अच्छा अच्छा फील कर रहे थे, ठीक है, आप जाके थोड़ी अरसे बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, वो एक सिगरेट के ऊपर आपको किक नहीं मिलेगी, आपको आप मजबूरन दूसरी पीनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप, आपकी बॉडी को नीड है, और जो चीज आप रिलीज करवा रहे हैं, ठीक है, डोपामिन आप रिलीज करवा रहे हैं, ये डोपामिन तो वैसे आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, आप खुद भी रिलीज करा सकते हो, ठीक है? अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, आपके पेरेंट्स से, आपकी सराउंडिंग में कोई आपको अप्रिशिएट करता है, वो डोपामिन आपका ऑटोमेटिकल रिलीज होगा, कोई जरूरत नहीं आपको सूटा मारने की। लेकिन जो मिथ है हमारे सोसाइटी में, आज हम उस पर बात कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, और जो मेन मेन चीजें हैं मैं उन पे रहूंगा कि आप लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली माशरे में होता क्या है, ठीक है? और इवन आप भी सब चीजें आपने भी ऑब्जर्व करी होगी अपनी लाइफ में, और आप देखते होंगे ऐसी चीजें, ऐसे लोगों को। थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि फारिग होना, ठीक है? इंसान जब फारिग होता है ना, उसके पास कोई काम नहीं होता, वेला होता है, तो ये उस टाइम के काम है, ठीक है, कि आपके पास कुछ नहीं, चलो सूटा मार लिया, ठीक है, इधर उधर। लेकिन जिस दिन आपके अंदर ये एनर्जी आ गई कि नहीं भाई, मैंने कुछ करके दिखाना है, ठीक है, फिर आप इन चीजों से ऊपर हो जाते हो, सही है? तो ये सिगरेट जो है, ये वेलो लोगों का काम है, जो काम के बच्चे हैं हमारे, जो यूथ है, जो के आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बड़ी, चाहे वो फैमिली की है, चाहे आपके खुद की है, और माशरे में आपने नाम करना है, ठीक है? तो नाम इन चीजों में नहीं करना, स्मोकिंग में, मतलब पॉजिटिव वे में आपने जो है अपने खुद को एक्सेल करना है। तो काइंडली ऐसी चीजों से दूर रहे, और अपनी एनर्जी जो है पॉजिटिव चीजों में इन्वेस्ट करें, ना कि इन चीजों में, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, या फिर दूसरे नशे जो है वो करना। उसके अलावा क्या है, डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मेजर फैक्टर है हमारे माशरे में। क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, सूटा मार रहे हैं भाई, इंजॉय कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, चाहे, देखो स्मोकिंग की अगर हम बात करें, इट डजेंट मीन दैट कि सिर्फ हम सिगरेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको बेहतर पता है कि उनमें क्या क्या चीजें आती है, सही है? तो वो क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो टेम्परेरी खुद को रिलैक्स कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, आपको टेम्परेरी किक मिलती है, 3-4 मिनट आप हवा में रहेंगे, ठीक है, उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे। लेकिन ये है कि जैसे आप नॉर्मल रूटीन में आओगे, जैसे आपका वो डोपामिन जो है कम होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर, सही है, अब क्या होगा, अब ये है कि आप और ज्यादा डिप्रेस फील करोगे खुद को, आपके अंदर वो एनर्जी होगी नहीं, सही है? मेरा एक सवाल है, इन दोनों में फर्क क्या है, कि एक आदमी है या एक बंदा है जो कहता है कि मैं ओके आई एम डिप्रेस बट मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, सही है, मैं चाहूं तो मैं पी सकता हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैं पी सकता हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं पीऊंगा। दूसरा है जिसके पास सेम चीजें है, लेकिन वो कहता है कि मैं सिगरेट पीऊंगा ताकि मेरी डिप्रेशन कम हो जाए। दोनों में फर्क क्या है, ठीक है? पहला वाला आदमी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, उसको नहीं जरूरत कि वो स्मोकिंग करे तब भी उसकी डिप्रेशन दूर होगी। इवन उसके पास अपॉर्चुनिटी भी, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है फिर भी मैं नहीं करूंगा, मैं खुद अपने अंदर से इतना स्ट्रांग हूं, ठीक है, कि मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, और वो इस चीजों से दूर हटता है। जहां पे दूसरा है वो क्या कर रहा है, वो यही कर रहा है कि भाई वो खुद को किसी और चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब डिप्रेशन किस वजह से है, डिप्रेशन की वजह क्या है, डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, हो सकता है उसके फाइनेंशियल मसले मसाइल हो सकता है उसके फैमिली को कोई इशू चल रहा हो सकता है उसका अपना पर्सनल कोई रिलेशनशिप खराब हुआ हो, ठीक है, हो सकता है उसको बिजनेस में लॉस हुआ हो सकता है उसने कोई और काम खराब किया हो, ठीक है। अब वो जिन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है, वो तो था ही, अब एक और चीज के ऊपर इसने खुद को डिपेंडेंट कर दिया है। अब जब ये सिगरेट जो है इसकी तलब होगी इसको, तब जाके ये सूटा मारेगा। अब इसके अंदर की जो एक विल पावर थी वो कहाँ गई, वो विल पावर तो खत्म हो गई, इसने खुद खत्म करी है वो। अब ये डिपेंडेंट हो गया सिगरेट पे, भाई धुआं निकालूंगा तो मेरी डिप्रेशन क्या होगी, खत्म होगी। ओके, मैं मानता हूं कि आपकी थोड़ी देर तक आपको किक मिलेगी, ठीक है, थोड़ी देर तक आप अच्छा फील करोगे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए है
वो ये है कि आप डिप्रेशन में ही रहोगे, सही है, आपकी वो एनर्जी खत्म होगी, आप लेथार्जिक फील करोगे हमेशा, आपके अंदर वो पावर होगी नहीं जो कि एक आम आदमी में है, ठीक है, आप उन चीजों से दूर दूर जा रहे हैं। उसके अलावा क्या होता है,